किसी शायर ने खूब कहा है कि जब लहजा लफ्ज बनकर एहसास बनना शुरू हो जाता है तब समझिए कि मोहब्बत खुदाई हो रही है। बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि जब हमारे एहसास शब्दों से परे हो जाते हैं और हम अनुभव की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी हर फीलिंग इतनी प्योर होना शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं उस क्रिएटर के साथ हम जुड़ना शुरू हो जाते हैं। चाहे हमारी जो भी थेरेपी हो, वो चक्रा हीलिंग हो या फिर एनर्जी हीलिंग उसे कहो, या म्यूज़िक हो या डांस हो, लेकिन अल्टीमेट एम है कि उस विधाता के साथ जुड़ना, उस विधाता तक पहुंचना, वो जैसा चाहे वैसा बनना। यह एहसास ही बहुत खूबसूरत है। ये जर्नी जो है संपूर्ण तक बनने की या उस तक पहुंचने की, ये जर्नी क्या है, कैसे है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आज के सीक्रेट में। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सचिन, वेलकम टू अवर शो। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। शब्दों से हम निकल कर सिर्फ एक एहसास वो हम महसूस करें और वो एक जो उच्च अवस्था है, वो एक जर्नी है। हमने कई बार उसको डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में और क्या बताएंगे? हम चक्रा के बारे में देख रहे थे, चक्रा हीलिंग, जिसका आजकल बहुत प्रचलन है। चक्रा थेरेपी है या प्राणिक थेरेपी है, प्राणिक हीलिंग लोग करते हैं, या बहुत सारी हीलिंग थेरेपीज इस समय है। और जितने भी आर्ट्स हैं, मैं इसके ऊपर चिंतन कर रहा था कि जितने भी कलाएं हैं, अगर आप उसकी गहराई में जाओ तो शुरुआत में स्थूल से ही करते हैं वो। इवन आजकल जो इंटरनेशनल योग डे मनाया जाता है, उसमें लोगों को ये मान्यता है कि योग माना केवल प्राणायाम और आसन, लेकिन अगर आप उसके आगे जाओ तो प्राणायाम और आसन के पहले यम और नियम है, उसके बाद प्राणायाम आसन है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान और फिर समाधि। अल्टीमेटली आपको समाधि अवस्था तक जाना है। मैं और थोड़ी कलाओं के बारे में बताऊंगा कि जैसे कि म्यूजिक है जी। आजकल लोग म्यूजिक बहुत सुनते हैं। म्यूजिक है, डांस है, डांस है, और कहीं ना कहीं सिर्फ आजकल की बात नहीं है, जैसे ये ट्रेडिशन भी आप देखेंगे, सारा जो क्लासिकल जो आया है वो शायद मुझे लगता है ये थेरेपी को या भगवान तक पहुंचने की एक रास्ता ही था। बिल्कुल ठीक है। आजकल मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि आज हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हैं जो शायद पहले नहीं थे। जैसे हर एक के पास मोबाइल है। हाँ। और मोबाइल में गाने डाले हुए रहते हैं। मेरा ज्यादा संबंध संपर्क यूथ से आता है, तो यूथ कान में डाल के सुनते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो हमारे पास अभी एक्सेस है टू ऑल दिस म्यूजिक, हजारों गाने क्लासिकल और जिसका जो इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप इन गहराई में जाओ, जैसे भारत में एक मूवी होके गया था जिसके बारे में हमेशा सुना थे, झनक झनक बायल बाजे। अभी डांसर है गोपी कृष्ण है, बहुत अच्छे क्लासिकल उनको गुरु मानते हैं। तो जब अच्छा एक डांसर होता है, जब वो डांस शुरुआत करता है, तब शुरुआत में वो रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद डांस उसको ओवरकम कर लेता है और वो व्यक्ति वहां पे नहीं रहता है, केवल डांस रह जाता है। ऐसे ही गाने वाला जो म्यूजिक है, तो म्यूजिक भी एक थेरेपी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो म्यूजिक भी शुरुआत में गाने वाला होता है। जैसे आप एडवांस स्टेज इसमें जाते हैं तो आपको पता चलता है, और इंटरेस्टिंगली म्यूजिक में भी 7 स्वर है, जो 7 चक्र की बात हम कह रहे हैं। ये 7 शब्द बहुत मैजिकल है। तो सारे गमा पदा नी सा, तो ये 7 शब्द भी 7 चक्र के साथ जोड़ दिए जा सकते। पर गाते गाते एक ऐसी अवस्था आती है कि वो अपने आप को भूल जाता है सिंगर, और वो परमात्मा में लीन हो जाता है। यही बॉडीलेस स्टेज या अशरीरी अवस्था और ये आनंद की अवस्था ये लोग अनुभव करते हैं। मुझे यहाँ पर एक कहानी याद आ रही है, ताकि हम अपनी बात को अच्छी तरह से समझ सके। हम सब जानते, भारत में अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। तो उसमें एक तानसेन था, और जो अच्छा सिंगर है तो उसको तानसेन के साथ तुलना की जाती है, क्योंकि संगीत एक साधना है। तो एक दिन अकबर ने पूछा तानसेन ने कि तुमने ये कहाँ से सीखे, तुम्हारे गुरु कौन है? तो बोलते मेरे गुरु है बहुत अच्छे, लेकिन उनको मिलने के लिए हमको जाना पड़ेगा, तभी हम उसका सुन सकते हैं कि उनकी साधना क्या है। तो बोलते चलो हम चलेंगे, तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरु कितने अच्छे हो गए, तो मैं देखना चाहता हूँ। वो कहता है मैं लेके तो जाऊंगा, लेकिन गारंटी नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा, वो आपके कहने से नहीं गाएंगे। अच्छा। तो बोला ठीक है, और हमको दूर से देखना पड़ेगा। तो अकबर बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ। तो वो जाते हैं गांव में, जहाँ पे गुरु नदी के किनारे बैठे रहते, रोज राह देख रहे थे अभी गाएंगे अभी गाएंगे, लेकिन वो गा नहीं रहे। 2-3 दिन हो गए। फिर मॉर्निंग में एक दिन सुबह के समय
वो गुरु जी को अंदर से प्रेरणा आती है और वो अपना गाना चालू करते हैं, और जैसे वो गाने लगते हैं कि ये तानसेन और अकबर ये अपने पूर्ण शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं, एकदम अशरीरी अवस्था में चले जाते। तो अकबर उसको सुनने के बाद तानसेन को कहता है, जो कि संगीत में इतना श्रेष्ठ पद पर, कि तू क्या गाता है, कुछ भी नहीं, तू मतलब क्या इतना गाता है, तेरे को कुछ आता है क्या, तेरे गुरु क्या गा रहे हैं और तू क्या गा रहा है। तब वो तानसेन जवाब देता है कि मैं एक राजा के लिए गाता हूँ, लेकिन जो मेरे गुरु है वो राजाओं के भी जो राजा है परमात्मा, उसके लिए गाते हैं, ये वाह फर्क है। तो अल्टीमेटली साधना जो है हमको परमात्मा तक लेके जाते हैं, और सभी कलाओं का लास्ट एम है परमात्मा तक पहुंचना। आपको स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा, लास्ट में जी आपको उस स्टेज तक जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी चक्र अगर आप देखो तो ग्राउंड चक्र जो रूट चक्र है वो जी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड से चालू होता है, लोएस्ट सेफ्टी जी एंड सिक्योरिटी, ग्राउंडिंग टू द अर्थ, जी और फिर धीरे धीरे हायर प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस में आप जाने लगते हैं, लास्ट में सहस्रार चक्र, यही तरीका है। तो इसका पहला स्टेप है, इसमें से हमको क्या सीखना चाहिए कि पहला स्टेप है रिटर्न ऑफ द इनोसेंस। हम सब के अंदर एक बहुत अच्छा सुंदर बच्चा है जो पवित्र है, जी उस इनोसेंस को आपको टच करना चाहिए। जी और मुझे यहाँ पर परमात्मा के महावाक्य है, और हमारे भारत में गीत भी बहुत अच्छा चलता है कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। जी हम सबके अंदर एक बहुत सुंदर आत्मा है जिसको हम भूल चुके हैं, वो पवित्रता हम सबके अंदर है, सिर्फ उसको टच करने की जरूरत है। जब हम अपना ईगो छोड़ देते ना तो हम बच्चा बन जाते हैं, बच्चों में ईगो नहीं होता है। मैंने देखा कि बच्चे भी झगड़ा करते, बड़े भी झगड़ा करते, लेकिन बच्चे छोड़ देते, उनको पता ही नहीं, लेकिन बड़े लंबे समय तक याद रखते हैं। लेक्चर में ये सवाल पूछता हूँ कि अगर आपका झगड़ा हो गया कितना दिन याद रखते, तो कहते जिंदगी भर याद रखते हैं। तो ये है बड़ों की भावना, लेकिन बच्चे से हमको ये सीखना चाहिए कि इनोसेंस, इनोसेंस क्या होता है उनसे सीखना चाहिए। तो जितना हमारे अंदर ये इनोसेंस, अभी मैं इनोसेंस शब्द को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पवित्रता शब्द बोलते ही लोगों के अंदर दूसरी फाइल खुल जाती है। तो इनोसेंस माना क्या, निष्पाप, निष्कलंक, स्वच्छ है, उनको निगेटिविटी क्या है पता नहीं है, पर ये बच्चा हम सबके अंदर है। मेरा एक दोस्त कवि है, उसने बहुत अच्छे शब्द कहे कि कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था, कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, कि वो नादान बचपन कितना प्यारा था, कि जी नादान बचपन कितना प्यारा था। जैसे आप इनोसेंट की स्टेज में आते हैं ना, तो प्यूरिटी प्यूरिटी को खींचते हैं, जी और फिर आपके अंदर एक शक्ति आने लगती है और आपको लगता है कि अचीव करते रहना तो चाहिए, यानी अचीव आपका करते कहने रहना का चाहिए। मतलब है कि परमात्मा पवित्रता का सागर है। बहुत बार आपने ये बात कही है कि परमात्मा के जो गुण हैं वो गुणों का सागर है बेसिकली। तो अगर उनके तक मैच होना है तो पहले आपके अंदर वो चीज़, अगर वो फ्रिक्वेंसी को मैच करना है तो अगर वो चीज़ आती है तो वो चीज़ खींचती है, उनके तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं ना, वरना फिर हमको हमारी जो बेसिक नीड है वही हमें पुल करती रहती है, वो अट्रैक्ट करती रहती है, फिजिकल नीड्स। लेकिन जब हम फिजिकल नीड से ऊपर उठ जाते हैं तो ऊपर उठने के लिए वो भी पुल करती रहती है, यहाँ ऊपर उठने का भी मन है, दोनों चीज़ें चल रही है साथ में, क्योंकि ये जर्नी है और ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो फिजिकल चीज़ें हमको एक बहुत ज़्यादा पुल कर रही हैं, साथ में उसको भी अचीव करने का मन है। तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें क्या करना तो चाहिए? ये अर्जुन की अवस्था है भगवद गीता की, ठीक है ना। एक तरफ सभी रिश्तेदार है ना, और वो कहता है न योत्स्य इति गोविंदम, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूँगा। और युद्ध में जो आपने शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, पुल है, दोनों तरफ से पुल है। जितना हम परमात्मा को सरेंडर करते, वही बात के ऊपर मैं आ रहा था कि जब हम परमात्मा को अपना पिता बनाते हैं, उसके साथ संबंध जोड़ लेते हैं और अपने आप को बच्चा बना लेते हैं उसका, जो मैंने कहा है रिटर्न ऑफ इनोसेंस, माना जितना हमारे अंदर इनोसेंस, निरागसता, निष्पाप, ये अवस्था आने लगती है, और वो तभी आ सकती है जब हम अपने को बच्चा समझे, क्योंकि बच्चे को इम्प्यूरिटी का पता ही नहीं होता है। और जब आप बच्चा समझेंगे तो मुझे शिव बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि जब आप खुद को बच्चा समझेंगे परमात्मा का, तब आप माया से बच जाएंगे। क्योंकि बच्चा कैसे होता है,
आप देखेंगे छोटे बच्चों को कि अकेले में होगा तो डरता है, लेकिन माँ बाप होते हैं तो हिम्मत करके कौन है आता है, माँ बाप की गोद में वो सुरक्षित महसूस करता है। तो हम भी पहले तो हमको समर्पण भाव होना पड़ेगा। किसी भी कला में आप देखो गुरु को समर्पित जाते हैं जी। तो गुरु को समर्पण करते हैं लोग, फिर वो डांसर हो सिंगर हो, और आपकी भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए जी। जैसे समर्पण भाव आता है, अहंकार एक सेकंड के लिए आपका तुरंत ही एक सेकंड में ही पूरा गल जाता है, अहंकार ही नहीं रहता, जो हम करते हैं बार बार वो खत्म हो जाता है। तो अपनी डोर को परमात्मा को सौंप देना चाहिए। और भगवत गीता भी हम यही कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्व धर्मान्य परितेज माम एकम शरणम रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्ष इच्छामि मा शुच, माना मैं आपको सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। और मुझे लगता है ये चक्रा थेरेपी में आपको अगर जाना है, जो राजयोग हमको सिखाता है, मैं हमेशा सबका सिंथेसिस करने के सोचता हूँ कि ये सबकी जड़ में क्या है जी। चलो चक्रा है, सात चक्रा है, या जितने भी हीलिंग टेक्निक्स है, लास्ट में क्या है, कहाँ हम अपनी वो कंप्लीट स्टेज को टच कर सकते हैं कि खुदा एक एहसास है कहते हैं कि ये फीलिंग है, आप उसको फील कर सकते हैं। वाईफाई की तरह है, आपको उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तब आपके अंदर वो एनर्जी फ्लो आएगी। लेकिन वो तभी आएगी जब आप इस शरीर बांध से परे हो जाएंगे। और सभी कलाएं अल्टीमेटली परमात्मा की ओर लेके जाते हैं, ये हम बार बार कह रहे हैं कि अल्टीमेटली आप जब किसी भी कला में, जो 16 कलाओं का वर्णन है, तो उसमें लास्ट स्टेज में आप परमात्मा की तरफ ही आपको जाना है। लेकिन उस स्टेज में पहला जो होता है वो है आप शरीर बांध से परे जाते हैं, और आपको प्राप्ति होने के बाद जैसे आप शरीर भान से परे होते हैं तो अनुभव ये कहता है कि हमको प्राप्तियां होने लगती है, एक गहरी संतुष्टता, सेटिस्फैक्शन। एक्चुअली जो समाधि है ना, लोग उससे डरते हैं समाधि शब्द से। समाधि माना उनको लगता है कि बैठे और शरीर छोड़ दिया, वो समाधि, वो समाधि नहीं है। समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसको हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो वो समाधान स्वरूप अवस्था है जी, मतलब समाधान, इतना कंटेनमेंट की कोई आपकी नीड या वांट्स या इच्छाएं वो है ही नहीं, बहुत देर तक तृप्ति की अवस्था में, तृप्ति की अवस्था है, संतुष्ट। और ये इंद्रियों की तृप्ति नहीं है, इंद्रियों की तृप्ति अलग है और ये अति इंद्रिय तृप्ति है जी। तो वो आपको जैसे फीलिंग आने लगते है ना, तो आपको पता चलता है कि अभी मैं तो, मुझे तो दे दिया परमात्मा ने, फिर आपके अंदर से एक आएगा कि मुझे देना है। जो आपने पीछे भी सवाल पूछा था कि वो दिल कहाँ से लाओ, वो कंपैशन कहाँ से लाओ, वो काइंडनेस कहाँ से लाओ, वो लाना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब हम अंदर से भरपूर होने लगते हैं तो वो काइंडनेस कंपैशन अंदर से आने लगता है, और आप फिर रह नहीं सकते उसके बगैर। जिस दिन आप भरपूर होने लगते हैं ना, तो उस समय आप दिए बगैर रह ही नहीं सकते हैं। सबसे अच्छी अवस्था जो मुझे लगता है, जो हम अनुभव करते हैं कि यू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, फिर भगवान आपको बजाने लगता है। बांसुरी का उदाहरण हम सभी जानते हैं, है ना। बांसुरी को पूछा कि तुम इतना अच्छा आवाज कैसे निकालते हो, तो मैं कुछ नहीं करती, मैं तो अंदर से खाली हूँ और मेरे अंदर छेद भी है, मैं सिर्फ एक ही काम करती हूँ कि अपने आप को परमात्मा को सौंप देती हूँ, तो मेरे अंदर का खालीपन वो अपनी फूंक से भर देता है, तब मेरे अंदर से सुमधुर संगीत आने लगता है। बहुत अच्छा एग्जांपल। तो हमारी अवस्था बांसुरी की तरह ही है, भले हम अंदर से खाली है पर, और हमारे अंदर छेद भी है, छेद माना कमी है और अंदर का खालीपन है, लेकिन जब हम इस बांसुरी को परमात्मा को सौंप देते हैं तो हमारे अंदर अच्छा म्यूजिक, वो रंग भरता है, वो आवाज भरता है। तो उसको सौंप देना यही पुरुषार्थ है, पर सच्ची दिल से, सच्ची दिल से, वहां दिखावा नहीं होना चाहिए। और हमको ये परमात्मा ने सिखाया, जो हमने पहले भी देखा, कि बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो जी, हो भी नहीं सकता जैसे आपने कहा, सच्चे दिल से, जहाँ पे दिखावा ना हो, क्योंकि ये बात ही ऐसी है, इतनी सटल है, इतनी सूक्ष्म है कि ये केवल आप ही एहसास कर सकते हो उसको, कोई और नहीं कर सकता। हाँ। ये एहसास ही करने की बात है। आखिर वही बात मैंने बताई शुरुआत में कि जहाँ पे आप लफ्जों से परे हो जाते हो, लेकिन कई बार देखने में आता है कि एक वो भी, जैसे हमारा स्टेटस है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं बाहर से दिखाना लोगों को, ये कब आता है, बहुत ज्यादा रिचुअल्स कर रहे हैं या बहुत कुछ दान पुण्य कर रहे हैं भगवान के नाम के नीचे, कुछ शुरुआत में भले हम दिखावा अच्छा, कर रहे हैं, ईगो अच्छा। है, लेकिन एक स्टेज हमारे अंदर आती है कि हमको अंदर से पता चलता है, भले हम बाहर से दिखाई नहीं रहे अच्छा। लेकिन अंदर हमारा दिल हमको गवाही देता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको बार बार बताता है कि ये ठीक नहीं है, तुम दिखा रहे हो लेकिन तुम अंदर से खाली हो, तो क्यों इस तरह से जीना चाहिए, सच को स्वीकार करो ना।
सच को स्वीकार करो और उसके पास जाओ। तो ये उन्हीं उनके लिए भी होता होगा मेरे ख्याल से, आप जो बता रहे हो, जो कुछ कर भी नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को आनंद की खोज में कहीं एंगेज कर रहे हैं। yes. एक जस्ट मुझे फोन कॉल आया रात को, एक ऐसा ही था, एक केस था, 20 साल का MBBS का बच्चा पूरी तरह से नशे में डूब गया है और रिलेशनशिप का भी है डिपेंडेंसी इतना ज्यादा। मुझे ये बताया कि इतना मजा आता है तो छोड़ना है, क्यों काउंसलिंग करना है, हमने सवाल पूछा तो कहा कि बस थोड़ा सा अंदर से हर्ट फीलिंग है, लेकिन मैंने कहा नशा छोड़ना चाहते हैं, ड्रग्स ले रहे हैं बहुत टाइम से, तो कहता नहीं उसमें बहुत मज़ा है। तो मतलब मुझे एक पल के लिए लगा कि इतना आ रहा है मज़ा, चाहे ना रिलेशनशिप का हो या फिर ड्रग्स का हो, और आगे आके कितनी सारी चीज़ें कि सब बैठ के अच्छे से ले रहे हैं उसको सारे फ्रेंड्स, तो कहा वो मज़ा ही अलग है मैम, हम आपको बता ही नहीं सकते वो मज़ा क्या है। गलत नहीं है वो, मैं आता हूँ, हमने कल भी इसके ऊपर देखा कि ये जरूरी है। देखो दो अप्रोचेस होते हैं, यू आर आप एक खुद साइकोलॉजिस्ट हैं और आप काउंसलिंग भी करते हैं, हम भी काउंसलिंग करते हैं, और हमने देखा कि दो अप्रोच है साइकोलॉजी में। हम क्या सोचते हैं कि नहीं प्रिवेंट करना चाहिए, थोड़ा समझाना चाहिए, एक अप्रोच है जो प्रोएक्टिव अप्रोच है और यथार्थ है। स्पिरिचुअलिटी में एक अप्रोच है कि जाने दो उसको, उसका पार्ट है उसको जाने दो, उसको बताओ, लेकिन अगर नहीं रुक रहा है तो जाने दो, वो एक स्टेज में आएगा जब वो हिट हो जाएगा, व्हेन ही हिट्स द ग्राउंड तब उसको पता चलेगा कि अरे मैं तो गलत रास्ते पर आया, अभी मैं क्या करूं। तो साइकोलॉजी क्या करते है? समय के पहले रोकने की कोशिश करते है। स्पिरिचुअलिटी थोड़ा एडवांस है, वो बताएगी जरूर लेकिन प्रेशराइज नहीं करेंगे, लुक This is the way, आप ये करेंगे तो अच्छा है, पर पावर उसको दे देंगे। Yes, I agree with you 100%. हाँ। लेकिन जो हम बात कर रहे थे, वापस मैं वहां पर आना चाहूंगी कि आनंद अल्टीमेटली जाना सबको वहीं पे है। Yes. चाहे भक्ति के अंदर रिचुअल करके भी आप जाइए, तब आपको अल्टीमेटली ये पता चलता है कि मेरे अंदर खालीपन है। चाहे आप नशे के द्वारा भी उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, भगवान को मान भी नहीं रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एक खोज है कि जहां तक आपको पहुंचना है सबको। बात हमारी वहां चल रही थी, यही मैं कह रहा हूँ कि कैसे हमने पिछले एपिसोड में भी देखा कि ये डोपामिन जो है जो हमारे अंदर सेंटर है, जो हमको आनंद की ओर खींचता है बार बार, और एक रियलाइजेशन आती है इवन इस पाथ में भी कि यस ये तो हो गया, अभी ड्रग्स ले लिया, इसके आगे क्या है जी। तो वो स्टेज आने तक ये जाते रहेंगे। बीच में एक हिप्पी मूवमेंट आया था कि वो परमात्मा का नाम लेके ड्रग्स लेते रहते थे, है ना, ये सब मूवमेंट्स आके चले जाते हैं। लास्ट में आपको ये रियलाइजेशन डेफिनेटली आते हैं कि ये सब हो गया, कर लिया हमने, ये है अल्पकाल का, इसके आगे कौन सी स्टेज। और वहां पे मुझे लगता है कि ब्रह्मा कुमारी में जो ज्ञान दिया गया परमात्मा ने हमको स्पष्ट बताया कि दो बातें हैं, शरीर और आत्मा, फिर आप उसको 5 लेयर्स में करो, कुछ भी करो, आत्मा की नीड है, अंदर की अवस्था खाली हो चुकी है, समय के अनुसार अभी एक ऐसा समय कि आत्मा अपनी पावर्स और शक्तियों को खत्म, तो वो अपने अंदर का खालीपन भरने की कोशिश करेंगे, या ड्रग्स से या खाने पीने से या जो भी स्टेटस से, अभी उसको यथार्थ रूप में भरना है। तो उसकी भूख एक ही है, जो आनंद कहा या जो 7 गुण बताए वही उसकी भूख है। तो चक्रा थेरेपी पे हम अल्टीमेटली यही मैसेज लेते हैं कि हम सबकी अल्टीमेट भूख क्या है, और वही मैं आपको शॉर्ट में, क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो मैं बताना चाहूंगा परमात्मा आके कैसे ये संपूर्ण अवस्था तक हमको लेके जाता है कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, वो आके पहले ज्ञान देता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुम्हारा मेरे साथ क्या संबंध है। तो तुम आत्मा हो, मेरी संतान हो, और तुम आदि अनादि पवित्र हो। तो ज्ञान के आधार पर हमारे अंदर पवित्रता आने लगती है, अरे नहीं मैं तो पवित्र हूँ, मैं इतनी महान आत्मा हूँ। जैसे हमारा वो भाई गटर में पड़ा रहता था, उसको बोला क्यों छोड़ा, तो बोलता इधर आके मुझे पता चला मैं तो देवता हूँ और देवता ही लेती नहीं, तो उसके अंदर वो पवित्रता का टच हो गया। तो ज्ञान के आधार पर पवित्रता, और जहाँ पवित्रता है वहां सुख और शांति उसकी जननी है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। और जहाँ सुख और शांति है वहां प्यार आ जाता है, और जहाँ प्यार है वहां आनंद की अवस्था आ जाती है, और आनंद की अवस्था लास्ट में शक्ति बनती है, और इस शक्ति के आधार पर विश्व का परिवर्तन होता है। तो परमात्मा देखो कैसे हमको संपूर्ण अवस्था तक लेके जाता है, वो ज्ञान देता है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान योग सिखाते हैं, और ये ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, मैं सबको कहूंगा कि आप चक्रा को जरूर एक्टिवेट करें, लेकिन इस ज्ञान को समझ के
अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़े, उसके साथ संबंध बनाए और अनुभव करके देखे कि कैसे आप साधारण अवस्था से संपूर्ण अवस्था तक की आपकी यात्रा कैसे पूर्ण होती है। मेरा खुद का अनुभव है 22 साल का कि जैसे हम रोज ज्ञान का मनन चिंतन करते, परमात्मा की याद बैठते, आप उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं, पर आप उस अवस्था में जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस बस पाना था सो पा लिया, यही अवस्था, यही सब कुछ है, और फिर आपको देने का दिल करता है और धीरे धीरे आप परमात्मा के साथ इतना जुड़ने लगते हैं कि आपको देख के लोगों को परमात्मा की भासना आने लगती है, और मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी अवस्था है। बहुत ही सुंदर बताया आपने कि वो संपूर्ण अवस्था तक पहुंचने के लिए ज्ञान ये फंडामेंटल है। अगर वो हम ज्ञान ले लेते हैं तो पवित्रता टच होती है और फिर वही सुख शांति की जननी है। तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है। भले हम किसी भी चीज से शुरुआत करें, कोई भी थेरेपी से शुरुआत करें, तो जो फिजिकल बाहर है वो हमको सूक्ष्म की ओर ले जाता है, वो खुदा के पास ले जाता है और वो जैसा चाहता है वैसे हम सच में बनना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। क्या हम एक मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं? जरूर। सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक अपने संपूर्ण शरीर को हल्का छोड़ देंगे। ध्यान दो आंखों के बीच में लेकर जाएंगे और देखेंगे एक सुंदर दिव्य सितारा चमक रहा है, शांत स्वरूप। शरीर एक मंदिर है जिसके अंदर एक दिव्य रोशनी है, प्रकाश है। शरीर भारी है लेकिन मैं बिल्कुल हल्के हूं। शरीर विनाशी है लेकिन मैं अविनाशी। अपने आप से बातें करें कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या ढूंढ रहा हूं चारों तरफ, मेरी लॉन्गिंग क्या है, मैं किस लिए इस धरती पर आया हूं, इस शरीर में मैं क्या कर रहा हूं। महसूस कीजिए मैं रिश्तों में, चीजों में, पदार्थों में क्या ढूंढ रहा हूं, और जो ढूंढ रहा हूं क्या मुझे वहां मिल रहा नहीं। मेरी जो नीड्स है, ओरिजिनल आवश्यकता है, वो ज्ञान, पवित्रता, सुख शांति, जिसका स्रोत केवल परमात्मा है। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, उससे डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश मेरी ओर आ रहा है। परमात्मा की यह लाइट मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। तृप्त हो रहा हूं मैं परमात्मा की शक्ति से। मेरी जन्म जन्मांतर की आश पूर्ण हो रही है। मैं अंदर से भरपूर होता जा रहा हूं। परमात्मा की लाइट मेरे अंदर निरंतर प्रवेश कर रही है। मेरी सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है। जिन्हें मैं बाहर ढूंढ रहा था उसे मैं अंदर महसूस कर रहा हूं। मैं अंदर से तृप्त हो रहा हूं, शांत, जैसे परमात्मा सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर है, वैसे मैं भी परमात्मा के समान गुण और शक्तियों से भरपूर हो रहा हूं। और मेरे द्वारा ये गुण और शक्तियां चारों तरफ फैल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शांत और एकाग्र। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति। ये जो संपूर्णता की बात आपने की, जो परमात्मा के करीब पहुंचने की और उससे रिलेटेड जो आपने मेडिटेशन करवाया, बहुत ही सुंदर था। आपकी पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हमने देखा कि कोई भी थेरेपी हो, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, या फिर चक्रा हीलिंग हो, लेकिन अल्टीमेटली उस विधाता तक पहुंचना यही हमारा लक्ष्य है और कहीं ना कहीं हमारी वही खोज भी है। धीरे धीरे हम फिजिकल अवेयरनेस से ऊपर उठकर वो सटल यानी वो सूक्ष्मतता की तरफ बढ़ते हैं और वो परमात्मा के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, उनके गुण अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सुंदर है, आप इसको ज़रूर कीजिए।
हम फिर से एक नए विषय के साथ अगले कड़ी में मिलेंगे सीक्रेट के। लेकिन अगर आपकी कोई भी बात, कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फोन से संपर्क कर सकते हैं। आज यहीं पे रुकेंगे। नमस्ते।